वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस एजुकेशन। आज हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन्हें ही हम लोग कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब आपने इनको रटना नहीं है, इसे ध्यान से सुनते हुए चलना और वीडियो को एंड तक देखना। मैंने आपको मौलिक अधिकार बताए थे, उसमें क्या कहा था, भारतीय संविधान के भाग 3 में और आर्टिकल बताए थे 12-35 में हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में लिखा है, और ये कहां से लिए गए थे, अमेरिका के संविधान से हमने लिए थे। अब VPSP क्या है, इसके बाद क्या शुरू होगा, आर्टिकल 12 के बाद 35 तक तो मौलिक अधिकार थे, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हमारे DPSP का वर्णन किया गया है कि ये क्या होते हैं, वो मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी। भाग 4 में, भाग 3 में क्या थे, मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक और अमेरिका के संविधान से लिए थे। भाग 4 में DPSP है 36 से 51 तक और ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड। तो इन्हें याद रखना है, बहुत बार पूछ लेते हैं। अब मौलिक अधिकार क्या थे, हमें कुछ ना कुछ अधिकार दिए गए थे, समानता का, स्वतंत्रता का, जिन्हें मैंने आपको डिटेल में बताया था, उनके अगर उनका हनन होता है तो ये भी बताया था, आर्टिकल 32 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं एंड 226 के तहत हाई कोर्ट की शरण ले सकते हैं। लेकिन ये DPSP क्या है, ये सिर्फ एक निर्देश दिए गए हैं हर एक राज्य को कि जब भी वो अपनी पॉलिसी बनाता है तो इन निर्देशों को ध्यान में रखा जाए। अब इन्हें रखना या ना रखना वो उनकी मर्जी होती है, इनके अगेंस्ट हम कुछ कर नहीं सकते, कोई भी न्यायालय में अपील नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, हर राज्य को कहा गया है कि अपने अपने राज्य की जो जनता है उनको रोजगार के अवसर प्रदान करें, लेकिन वो हमारा अधिकार नहीं है कि वो हमें जरूर रोजगार दें। इस तरह से बहुत सारे हैं, शराबबंदी की जाए, अब हर राज्य की मर्जी है कि वो करे या ना करे। तो ऐसे कई सारे निर्देश हैं, दो टाइप के होते हैं, एक हमारे पास होते हैं आदेश और एक होते हैं निर्देश। आदेश क्या होते हैं, जब हमें कोई ऑर्डर दिया जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है कि आदेश देती है, ट्रैफिक के जो रूल्स है वो हमारे लिए ऑर्डर है, अगर वो ऑर्डर ना हो तो कोई भी तुम्हें नहीं मिलेगा हेलमेट पहने हुए, या तो तभी चलान कटते हैं क्योंकि वो क्या है, ऑर्डर है। लेकिन निर्देश क्या होती है, जिन्हें हम डायरेक्शंस कहते हैं, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, अगर आप कोई छोटा सा प्रोडक्ट लेते हो, कोई जूसर या कुछ भी इस तरह का, तो आपको एक पतली सी बुक मिलती है, हैंडी बुक, जिसमें लिखा होता है रीड द इंस्ट्रक्शंस, तो कौन उसे पढ़ता है, सबको वो चलाना आता होता है। लेकिन अगर वो आदेश हो कि इसे पढ़ना ही पढ़ना है तो हर कोई पढ़ेगा, लेकिन वो क्या होते हैं, निर्देश, तो वो हमारी मर्जी बन जाती है कि हम उसकी पालना करें या ना करें। तो इन्हें सिर्फ ये कहा गया कि हर राज्य अपनी पॉलिसी बनाते हुए, क्योंकि हर राज्य अपनी अलग अलग पॉलिसी बनाता है, हर राज्य अपने एग्जाम्स भी अलग से कंडक्ट करते हैं, टीचिंग के बहुत सारे, उसमें अलग अलग रख सकते हैं कि जो ग्रेजुएशन होगा वो एलिजिबल होगा या फिर जो प्लस टू पास होगा, वो हर राज्य की अपनी मर्जी होती है। तो उसमें क्या है, अगर वो अपनी पॉलिसी बना रहा है तो इन निर्देशों को ध्यान में रखे, और वो निर्देश ही दिए गए हैं आपके आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। तो शुरू करते हैं, मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जो मौलिक अधिकार की प्रकृति थी वो क्या थी, नेगेटिव थी, नकारात्मक थी, निषेधात्मक थी। लेकिन जो DPSP की है ये है सकारात्मक, क्योंकि हर चीज पॉजिटिव लिखी गई है कि ऐसा करना चाहिए, राज्य को इस तरह से करना चाहिए, तो उसके बारे में लिखा है। एक आदमी थे जिन्हें हम कहते हैं तेजपाल सप्रू, जो तीनों RTC में गए थे गोलमेज सम्मेलन में, उन्होंने ये सुझाव दिया था 1945 में कि दो तरह के अधिकार बनाए जाएंगे, एक जिनके खिलाफ सुनवाई होगी और एक जिनके खिलाफ सुनवाई नहीं होगी लेकिन वो करने चाहिए। तो आज हम शुरू करते हैं, आर्टिकल 36 से पढ़ना शुरू करेंगे, एक एक को ध्यान से सुनते हुए चलना। 36 में क्या लिखा गया है, राज्य की परिभाषा, यही मैंने आपको सेम मौलिक अधिकारों में बताया था, आर्टिकल 12 जहां से मौलिक अधिकारों की शुरुआत हो रही थी, आर्टिकल 12 उसमें भी क्या दिया गया था, राज्य की परिभाषा। तो एक बार जब परिभाषा दे दी तो उसे दोबारा लिखने की नीड नहीं थी। आपको याद होगा कई बार आप बुक में पढ़ते हो तो क्या लिखा होता है, सेम एज आंसर 37 कुछ इस तरह से लिखा होता है, कोई भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो कि
कि वही क्वेश्चन का आंसर माना जाए जो क्वेश्चन 37 था। तो इसी तरह से इसमें भी दोबारा राज्य की परिभाषा को लिखा नहीं गया। ये था भाग 3 और ये है भाग 4। ये उसका पहला आर्टिकल था और जिसमें राज्य की परिभाषा गिवन थी। तो भाग 4 में क्या लिखा है आर्टिकल 36 में कि वही परिभाषा मानी जाएगी जो आर्टिकल 12 में लिखी जाएगी। बुक की लैंग्वेज आपको थोड़ी सी टफ लगेगी तो इसे पहले सुनते हुए चलो, उसके बाद इसे बुक में से पढ़ना। तो सेम वही है। नेक्स्ट है आर्टिकल 37। इसमें क्या लिखा गया है कि वाद विवाद योग्य नहीं है, कि इसमें जो भी अधिकार आपको दिए जाएंगे, अभी अधिकारों के ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे, हर आर्टिकल में हर अधिकार है, कि वो वाद विवाद योग्य नहीं है। मतलब रोजगार कहा गया है कि 2, लेकिन उस पे हमारा अधिकार नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, तो कोई भी अपील नहीं है इसके खिलाफ, वाद विवाद नहीं होगा। सेम जब मैं मौलिक अधिकार पढ़ा रही थी तो आर्टिकल 13 में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट जो है कोई भी गलत कानून बनने पर उसका पुनर्विलोकन कर सकती है, लेकिन इसमें क्या लिखा गया है कि इसमें कोई भी वाद विवाद नहीं होगा। आर्टिकल 38 क्या कहता है, सा आ रा, इसे ध्यान से समझना, सा आ रा मतलब सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय हो, मतलब ये 3 तरह के न्याय हो जनता के साथ, सामाजिक कि समाज में कोई भी अन्याय ना हो किसी भी जाति को लेकर, किसी जेंडर को लेकर सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो कि हर कोई ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के हाथ में पैसा सिमट कर रह जाए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता रहे। नेक्स्ट राजनीतिक न्याय, मतलब सा आ रहा ये 3 तरह के न्याय मिले तभी जो हमारा समाज है कल्याणकारी होगा। इसमें क्या कहा गया था कि एक समाज को कल्याणकारी बनाने की एक कल्पना की गई थी। तो ये थे हमारे आर्टिकल 36, 37 और 38। नेक्स्ट है 39, जो आम जनता से रिलेटेड है, ये ऐसा आम जनता से रिलेटेड नहीं थे। आर्टिकल 39 में क्या कहा गया, इसमें 6 प्रकार की बातें कही गई हैं कि कोई भी पुरुष और महिला अगर सेम काम कर रहे हैं, सेम मजदूरी कर रहे हैं, तो उनका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और किसी के भी खिलाफ शोषण नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि लगातार वो उससे 12-12 घंटे काम करवा रहे हो। और इसमें एक चीज और कही गई थी कि आर्टिकल 39A ऐड किया गया, आपने देखा होगा कोई भी अगर किसी भी पर्सन पर केस हो जाता है और वो गरीब है, वो अपना केस नहीं लड़ सकता, तो उसे सरकारी वकील मुहैया कराए जाते हैं, वो उनका केस लड़ते हैं। ये भी कहा गया हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन आर्टिकल 39 में एक निर्देश दिया गया था हर राज्य को किस तरह से वकील दिए जाएं, तो वो अभी भी देते हैं, पर हर राज्य की मर्जी है वो चीज, तो शोषण ना हो किसी का, ये सब कुछ लिखा गया आर्टिकल 39 में। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 40, जिसमें क्या कहा गया है कि हर गांव की अलग पंचायत मिले, पंचायत बनाई जाए। ये गांधी जी का विचार था, राम राज्य की कल्पना की थी गांधी जी ने, लेकिन क्या हुआ जब भी ये निर्देश दिए गए, लेकिन फिर जब भी जरूरत पड़ती है इन निर्देशों को कानून भी बना सकते हैं, तो 73rd अमेंडमेंट हुआ 1992 में, इसमें क्या किया, इसे कानून बना दिया गया कि हर राज्य की अपनी पंचायत का गठन करना ही होगा, मतलब हर गांव के लिए अलग पंचायत बनेगी, अब ये कानून बन गया है आर्टिकल 40। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 41, इसमें क्या कहा गया है कि 41, 42 और 43, इन्हें ध्यान से समझना। 41 में आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा जो कुछ स्पेशल दशाएं होती हैं, उसमें आप क्या मान सकते हो, कोई भी बेरोजगार है, पढ़ लिख कर घर पर है, अनएम्प्लॉयमेंट है, या फिर बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, कुछ इस तरह के जो लोग हैं स्पेशल कैटेगरी के, कि इनको ध्यान में रखा जाए, विधवा है, विधुर है, तो इनके लिए पेंशन बनाई जाए। अब हर राज्य की अलग पेंशन है, आप देख सकते हो यूपी में कितनी है, हरियाणा में कितनी है, तो हर राज्य अपनी अलग डिसाइड करे, लेकिन इसमें लिखा क्या गया है कि इनके ऊपर ध्यान दिया जाए, स्पेशल दशाओं के जो लोग हैं उसमें यही लोग आते हैं, तो इनके ऊपर ध्यान दिया जाए। आर्टिकल 42 में क्या लिखा है, प्रसूति अवकाश दिया जाए, ये होता है मैटरनिटी लीव। इसमें क्या है, हर सरकारी नौकरी में जो भी महिला माँ बनती है उसको 6 महीने की छुट्टी देते हैं, विद सैलरी दी जाती है, तो सिर्फ ट्रैवलिंग अलाउंस काटा जाता है, मतलब उसके आने जाने का जो उसे अलाउंस मिलता है सिर्फ वो काट के जितनी भी उसकी सैलरी होगी वो उसके अकाउंट में आती है, लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट में ऐसा नहीं है। तो कहा गया है हर राज्य को
कि महिला को पेन तो उतना ही होता है, चाहे वो प्राइवेट हो, उसने उसे नीड होती है छुट्टी की, तो हर एक को दी जानी चाहिए विद सैलरी। लेकिन ऐसा करता कोई भी नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में ये दी जाती है। आर्टिकल 43 में क्या कहा गया कि मिनिमम वेजेस डिसाइड हो, कि कोई भी अगर काम कर रहा है ऐसा ना हो कि उसने सारा दिन मजदूरी करी और शाम को उसे 50 रुपए दे दिए या 100 रुपए दे दिए, कम से कम इतना वेतन मिले कि उसके परिवार का खर्चा चल सके। मतलब जितने खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, उसके हिसाब से एक मिनिमम वेजेस डिसाइड किया जाए। यह था आर्टिकल 41, 42 और 43। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 44, जिसमें क्या कहा गया है, समान सिविल कोड। इसका क्या मतलब है, इसे ध्यान से सुनना, नहीं तो बुक में से समझ नहीं आएगा। समान सिविल कोड मतलब कि हर एक धर्म, जैसे हिंदू जो धर्म है इंडिया में वो मेजोरिटी में है, बाकी पारसी, मुस्लिम, जैन, ये सब क्या है, माइनॉरिटी में है। लेकिन कहा गया कि सबके साथ समान व्यवहार हो, मतलब अगर विवाह के नियम बनते हैं ये सब जो है सेम हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था, तो क्या किया, 98% में तो इन्हें सेम कर दिया। मतलब कोई भी क्राइम होगा वो किसी भी जेंडर का होगा, किसी भी जाति का होगा, तो सेम सजा का प्रावधान था। लेकिन 2% केसेस में इन्हें अलग क्यों किया गया, क्योंकि हर कम्युनिटी के मैरिज का स्ट्रक्चर अलग है। जो हिंदू धर्म है वो अग्नि के साथ फेरे लेते हैं, कुछ इस तरह से, तो हर एक कम्युनिटी ने इस पे ऑब्जेक्शन किया था। तो क्या किया, विवाह का नियम अलग कर दिया और डाइवोर्स का नियम अलग कर दिया हर एक धर्म का। इसके अलावा गोद लेने की प्रक्रिया अलग कर दी। तो क्या है, आपने जो मेरे अकॉर्डिंग क्या, अगर किसी ने पढ़ा भी हो, जब भी कोई गोद लेने जाता है अनाथ आश्रम, तो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है कि गर्ल चाइल्ड को गोद लिया जाए, और कभी भी मेल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि ऐसे तो लड़के ही जाते रहेंगे और लड़कियों को कोई गोद नहीं लेगा। अगर किसी के पास, किसी भी कपल के पास एक लड़की है, तो वो ले सकते हैं गोद लड़का, नहीं तो पहली प्रायोरिटी लड़की को देनी होती है। तो इन नियमों को अलग किया हर एक कम्युनिटी से। इसके अलावा कोई भी अगर अकेला मेल किसी बच्चे को गोद लेना चाहता है, तो उसे लड़की गोद नहीं दी जाती, उसे लड़का गोद दिया जाता है। इस तरह से कुछ अलग अलग नियम हर एक कम्युनिटी के लिए बनाए गए। तो 98% में तो इन्हें सेम कर दिया, सिर्फ अपने जो पर्सनल होते हैं इन तीनों में इनको अलग किया गया, 2% आते हैं। नेक्स्ट है आपका 45, जिसमें क्या कहा गया है कि जो 0 से 6 साल तक के बच्चे हैं, इनके लिए प्राथमिक शिक्षा दी जाए। अब 0 साल का बच्चा तो शिक्षा लेने नहीं जाएगा, ये वैसे बेसिकली 3 to 6 के लिए है, कि हर एक एरिया में आंगनवाड़ी का इंतजाम किया जाए। सुना होगा आंगनवाड़ी, कईयों ने देखा भी होगा, क्या करो इसमें थोड़े बहुत झूले लगा दो, खिलौने रख दो, बच्चों को पौष्टिक आहार दो। तो क्या बच्चों को जब स्कूल जाए, ताकि वो 6 साल के बाद, तो उन्हें स्कूल एक जेल ना लगे, उन्हें एक आइडिया हो जाए कि स्कूल क्या होता है, तो इस तरह से आंगनवाड़ी बनाई जाए। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति आई है, इसमें ये स्कूल में ही कन्वर्ट कर दिया है, PP1, PP2, PP3 ये अब स्कूल में ही करवाए जाएंगे। तो अब ये आंगनवाड़ी का कॉन्सेप्ट शायद खत्म ही कर दें, और ये स्कूल में चले गए हैं, नई शिक्षा नीति के तहत आया है। तो लिखा यही गया है 45 में कि हर राज्य, हर एक एरिया में आंगनवाड़ी का इंतजाम करे। नेक्स्ट है आपका 46, जिसमें क्या कहा गया, आरक्षण की बात की गई, SC ST OBC इनको क्या है कि एक बराबर के उस पर लेकर आए, मतलब एक अवसर तो दे, एक अगर जिसमें लायकियत होगी वो आगे आ जाएगा, लेकिन इनको आरक्षण दिया जाए, ताकि जिस टाइम पर इन्हें दबाया जा रहा था इनकी कम्युनिटी को, उन्हें बढ़ने का आगे मौका दिया जाए। तो ये लिखा गया आर्टिकल 46 में, और ये भी अब 104वां संशोधन हुआ। पहले ये 10 साल के लिए था जब आजादी हुई थी, कि 10 साल के लिए आरक्षण होगा, लेकिन अब 104th अमेंडमेंट में इसे और 10 साल बढ़ा दिया, मतलब अब अगले 10 साल तक भी इन्हें आरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट है 47, जिसमें क्या कहा गया, शराबबंदी के ऊपर बात की गई है, कि हर एक राज्य को निर्देश दिया गया है कि वो अपने राज्य की जो जनता है उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दे, ताकि जो देश का पैसा है वो बजाय वेंटिलेटर बेड, इनकी बजाय उस देश के विकास के ऊपर लगाया जाए। तो शराबबंदी पर रोक लगाने के लिए कहा गया। आर्टिकल 48 में क्या कहा गया, वन्य जीवों के संरक्षण के ऊपर बात की गई, वन्य जीव जो भी जीव है उनका संरक्षण किया जाए, उन पे ध्यान दिया जाए।
गो हत्या पर रोक लगाई गई कि हर राज्य जो है गो हत्या को बंद करवाए, उस पर रोक लगाए, तो ये राज्य की मर्जी है वो करे या ना करे, सिर्फ निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा पर्यावरण पे ध्यान दिया जाए, ये सब लिखा है आर्टिकल 48 में। आर्टिकल 49 में क्या लिखा गया, जो भी राष्ट्रीय स्मारक है जैसे ताजमहल है, बीरबल का मकबरा है, ऐसे हुमायूं का मकबरा है, उनके संरक्षण पे ध्यान दिया जाए, उनको टाइम टू टाइम उनकी कंस्ट्रक्शन करवाई जाए, क्योंकि उनसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा पैसा भी अर्न करती है, बहुत सारे टूरिस्ट उन्हें देखने आते हैं। तो हर राज्य को कहा गया कि वो उनके संरक्षण पर ध्यान दे, ये लिखा है आर्टिकल 49 में। इसके अलावा आर्टिकल 50 में क्या लिखा गया, जो न्यायपालिका है और जो कार्यपालिका है इन्हें पृथक रखा जाए, मतलब ये मिलकर काम ना करें, कि नहीं तो ये दोनों मिल गए तो बहुत सारे जो केसेस है वो गलत डिसीजन होंगे, क्योंकि जो कार्यपालिका है वो क्या है, संसद, तो ये मिलकर अपना कोई भी प्रेशर पे काम ना करवाएं, ये दोनों को क्या किया जाए, अलग अलग रखा जाए। और आर्टिकल 51 लास्ट, इसमें क्या कहा गया था कि हर एक जो राज्य है वो विदेश नीति का ध्यान रखे, मतलब जैसे किसी भी राज्य की बाउंड्री टच करती है, मान लो राजस्थान की जो बाउंड्री अगर वो किसी भी देश से टच कर रही है तो वो विदेश नीतियों का ध्यान रखे, ऐसा ना हो कि उन पे हमला कर दे, तो नाम ये नहीं आएगा कि उस राज्य का नाम नहीं आता कि हाँ इस राज्य ने हमारे ऊपर हमला किया, नाम आता है भारत का कि भारत देश ने चाइना पर हमला किया, या कोई भी राज्य अगर ऐसा तो नहीं है कि भारत की बाउंड्री टच करती है, किसी ना किसी राज्य, पर्टिकुलर राज्य की बाउंड्री हर एक देश को टच कर रही है, तो यही कहा गया कि विदेश नीतियों का ध्यान रखा जाए, तो ताकि इंडिया का जो नाम है वो खराब ना हो। तो ये सारे के सारे निर्देश दिए गए हैं इसमें आर्टिकल 36 से 51 DPSP। इसको एक बार ध्यान से सुन लेना, इस वीडियो को एक से दो बार सुन लेना, किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दो, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर देना फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।